बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टीएस नॉलेज टीवी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान तारिक सुल्तान। दोस्तों, हम अपने चैनल टीएस नॉलेज टीवी की जानिब से अपने तमाम अज़ीज़ नाज़रीन सामेन कराम किसान भाई और मवेशी पाल दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको BRI पत्तों की में होने वाले ब्रीडर बुल कम्पटिशन में हिस्सा लेने वाले तमाम बुल्स दिखा जाएंगे। इन बुल्स में से जो टॉप 3, जो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के बेहतरीन 3 बुल जो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे आएंगे वो भी दिखा जाएंगे। उससे पहले सारे बुल्स की डिटेल पूछी जाएगी, उनके ऑनर का नाम भी पूछा जाएगा, वो किस जगह से बिलोंग करते हैं वो भी पूछा जाएगा। पहले आपको बुल्स का इंट्रोडक्शन करवाएंगे, उसके बाद आपको कंपटीशन में जो कार्रवाई है जजेस ने जो पॉइंट नोट किए वो भी दिखा जाएंगे, और बाद में आपको जो टॉप 3 पोजीशन पे आने वाले बुल्स हैं वो भी दिखाएंगे। वीडियो शुरू से पहले हम BRI पत्तों की और ब्रीडर एसोसिएशन की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने बहुत ही कामयाब ब्रीडिंग बुल कंपटीशन और मुख्तलिफ जो खीरी कट्टी, दुंदी कट्टी भैंसों के और दूध के मुकाबला जात करवाए। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और आइए चलते हैं जी, आपको बुल्स का इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि कौन सा बुल कहाँ से आया है। ये नाम जो बड़ा बुल का मुकाबला हो रहा है BRI पत्तों की में, ये वो बुल आए हैं जी रिंग के अंदर। इनमें से बुल सेलेक्ट होंगे, बता चुका हूँ पहले वीडियो में। अब साहब कंधा थोड़ा ज्यादा करो यार, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਓਨਰ ਦਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਇਆ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਓ ਮੈਂ ਪੱਤੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਯਾਰ ਦੱਸੋ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ये माशाल्लाह से किधर से आया जी? अच्छा, ये जनाब इसरार मेरा साहब साहिवाल से जनाब वो लेके आए जी। बोले माशाल्लाह बड़ी हाइट और बड़े कद और बड़ी लेंथ वाला जो बुल है हमारे सामने वीडियो में मौजूद है, और ऐसे ही जानवर और जो है वो आपको दिखाते हैं। ओके, ऑनर तो पूछो जी, एक ही मालिक का नाम मोहम्मद रियाज तांदले वाला। ये जनाब रियाज साहब का बुल है, तांदले वाला से तशरीफ लाए हैं जी। अभी रिंग भी मौजूद है मोहम्मद रियाज तांदले वाला। किरे नाम तो लिखाया वो दस दो। ये जनाब अदील डॉगर अदील डॉगर शेखुपुरे वाले। नहीं तुसी नहीं, ਇਹਨਾਂ ਕਹੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਓ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਕੀ ਓਨਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਅਹਿਮਦ ਹਸਨ। ਅਹਿਮਦ ਹਸਨ ਬਾਵਲ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਵਲ ਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸ਼ਰੀਫ ਥੋੜੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ। डॉक्टर साहब परली साइड तो बनी, चलो घूमता है फिर हो जाएगा काम। शहजाद गुजर सर,
ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਯਾਰ ਬੜੇ ਰਸੇ ਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਯਾਸਰ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ये जनाब हमारे सामने एक और पांच कल्याण बुल आ गया जी यासर साहब यासर भाई चिश्ती इतने नमी बना लिए है जो यश गुजरा रहा ये जनाब हमारे सामने के वीडियो में बुल मौजूद है ये शैलर नामी बुल है चौधरी आशिक गुजर वाला ओनर जो है वो चौधरी आशिक गुजर साहब है थोड़ा जा दोस्तों माशाल्लाह ये जो बुल आपको नजर आ रहा है ये इसके ओनर का नाम रशीद मसीह है और ये शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा से बिलोंग करता है। ये वही बुल है जो 2019 में होने वाले शेखपुरा में जो ब्रीडिंग बुल कंपटीशन हुआ था उसमें ये पहली पोजीशन पे आया था। थोड़ा सा इसको बैक से भी दिखाता हूँ, बड़ा खूबसूरत और बहुत बड़ा भारी स्ट्रक्चर है। अभी आपको लिए चलते हैं रिंग की तरफ। यहाँ पे रिंग में जो बुल्स हैं वो सारे पहुँच चुके हैं। इस बुल को भी रिंग की तरफ लेके जाया जा रहा है। रिंग में दिखाते हैं कि जी कौन सा बुल आज का मैदान में कौन सा बुल पहले नंबर पे आता है, कौन सा बुल दूसरे नंबर पे आता है और कौन सा बुल तीसरे नंबर पे आता है। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। तो आइए चलते हैं, ये आपको रिंग में लेके जाते हैं और जजेस के जो पॉइंट है वो दिखाते हैं कि जी कौन सा बुल आज का चैम्पियन होगा। ये बुल जो है ये फैसलाबाद से है माशाल्लाह, ये भी बड़ा खूबसूरत और बहुत ही प्यारा बुल है। डॉक्टर साहब ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੇ ਸਾਡ ਦੇ दोस्तों ये बुल जो है ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, आज के जितने भी बुल्स हैं सारे दोस्त लोगों की नज़रें इस पे हैं कि ये ज़्यादा खूबसूरत है। ये शहजाद गुजर साहब है जी शेखपुरा से, ये उनका बुल है माशाल्लाह। ये भी ऐसे ही लग रहा है कि ये भी टॉप थ्री जो पोजिशन होंगी उन पर लड़ेगा। तो देखते हैं जी क्या बनता है, कौन सा बुल बाजी ले जाता है और किस बुल को रिंग से आउट किया जाता है। लो जी दोस्तों फाइनली सारे बुल जो हैं वो रिंग में पहुंच चुके हैं। कुछ बुल्स को रिंग के बाहर खड़ा किया गया है क्योंकि रिंग में जगह थोड़ी कम थी और ये नीली रावी के बुल्स आपको पता है अग्रेसिव भी होते हैं, तो इसलिए स्पेस बनाने के लिए कुछ बुल्स को इधर साइड पे खड़ा किया गया है। इसके बाद इनमें से मुख्तलिफ पॉइंटों को देखा जाएगा, जिस बुल में मतलूबा पॉइंट्स पूरे होंगे वो खूबसूरती में भी हाइट में भी पुट्ठा उसका टेस्टिकल साइज टेस्टिकल जो है वो भी देखे जाएंगी, इनकी दुम देखी जाएगी, पुट्ठा देखेंगे, गर्दन देखेंगे, आँखें कान भी देखे जाएँगे, फिर इनकी जो लेग्स हैं वो देखेंगे, बोन स्ट्रक्चर जो इसकी पसलियां होती हैं जो वक्खी कहते हैं जिसको, सारी चीज़ों को देखते हुए उनको मद्देनज़र रखते हुए जो जजेस साहिबान हैं आपको नज़र आ रहा है जी ये बुल्स घूम रहे हैं वो अपने अपने पॉइंट लिख रहे हैं। तो पहले चक्कर में कुछ बुल्स को आउट करेंगे फिर दूसरे में करेंगे, फाइनली यहाँ पर सिर्फ चार बुल्स जो हैं उनको रखा जाएगा रिंग में, फिर उन चार में से तीन की एंट्री अंदर होगी रिंग के अंदर, फिर उन तीन बुल्स को दोबारा फिर सारे जज जो हैं वो देखेंगे, अपने अपने वो पॉइंट्स नोट करेंगे, उनमें से जिस बुल में जितने ज़्यादा पॉइंट होंगे उसको पहली पोजीशन, उससे कम वाले को दूसरी और उससे कम वाले को तीसरी पोजीशन दी जाएगी। तो ये भी रिंग में चलाया जा रहा है,
ये एक चक्कर मुकम्मल होगा, उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे वहाँ पे कि किस बुल को अंदर एंट्री दी जाती है। ये जी चोरी आशिक गुजर साहब वाला शैलर बुल है, इसका रिजल्ट और ब्रीड वाइज भी बहुत आउटस्टैंडिंग बुल है माशाल्लाह जी। अगला बुल नीली रावी का, इसको चेक किया जा रहा है आपके सामने जी, जजेज इसको चेक कर रहे हैं, इसको चला के देख रहे हैं, इसकी दुम जो है वो पीछे से कटी हुई है, कटी हुई नहीं थोड़ी कम है। ये जी रफीक मसीह वाला शेखुपुरे वाला, ये बुल ऑलरेडी 2019 में शेखुपुरा में पहली पोजीशन पे आया था, अब देखते हैं जी आज क्या होता है। कुछ लोग इसी को पहली पोजीशन देने की बातें कर रहे हैं, जो लोग बाहर खड़े हैं, कुछ लोग वो जो आपने ब्लैक वाला देखा उसको पोजीशन देने के हक में हैं। ये बुल फैसलाबाद से आया है, ये भी बड़ा खूबसूरत और बहुत ही अच्छा और हैवी बोन स्ट्रक्चर वाला बुल है, लेकिन इनके खाली ब्यूटी को नहीं देखना, इनमें बाकी पार्ट्स भी देखे जाने हैं और ब्यूटी को भी देखा जाएगा यकीनन, फिर उसके बाद जो बुल्स मतलबा स्टैंडर्ड पे पूरा उतरेगा उसको देखा जाएगा। लें जी दोस्तों, इस बुल को रिंग से आउट कर दिया गया है, ये मतलबा स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतरा और वैसे भी पहले ही चक्कर में इसको निकाल दिया गया है। अब ये जो बाकी बुल्स बाहर थे उनको वन बाई वन एंटर किया जा रहा है रिंग के अंदर। अभी चक्कर में जो बुल देखने में अच्छा नहीं लग रहा कि जिसके पॉइंट पूरे नहीं है उसको बाहर निकाला जाएगा और बाकी बुल्स को चलाया जाएगा, और इस रिंग में सिर्फ चार बुल रखे जाएंगे और उन चारों में से तीन बुल जो हैं वो अंदर लेके जाएंगे रिंग के अंदर, उन तीनों को फिर देखेंगे और फिर उसकी पोजीशन बनेगी। ये बुल भी बड़ा खूबसूरत था लेकिन इससे भी अच्छे बुल हैं, इसलिए इसको भी रिंग से आउट कर दिया गया। लें जी चोरी आशिक गुजर साहब वाला जो शिलर है इसको भी निकाल दिया गया। फाइनली बाकी बुल्स को निकाल के ये चार बुल्स जो हैं ये जनाब सिलेक्ट हुए हैं, इन चारों में से अब देखते हैं रिंग के अंदर कौन से आते हैं। लें जी पहला बुल आ गया जी शेखुपुरे वाला, इस बुल की एंट्री हो गई है पहले की। अब देखें चारों में से कौन सा बुल बाहर जाता है और कौन से अंदर आते हैं। लें जी दोस्तों दूसरा बुल भी आ गया, तीसरा बुल ये सिलेक्ट हुआ है। अब इन तीनों बुल में से पोजीशनें बनेंगी, कौन सा बुल पहली पोजीशन पे आता है, कौन सा दूसरी पे आता है और कौन सा तीसरी पे आता है। जजे साहिबान जो हैं वो इनके पॉइंट नोट कर रहे हैं। जजे साहिबान जो हैं वो हर बुल को देख रहे हैं, अपने अपने पॉइंट नोट कर रहे हैं, तो बाद में जिसके पॉइंट ज़्यादा होंगे जो उनमें से ज़्यादा अच्छा होगा उसको पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरे नंबर में उसकी कैटागरी में वो आएगा। ये जी पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये तीन बुल रिंग के अंदर आए हैं, इन दो को चलाया जा रहा है, चला के देखा जा रहा है, इनके पॉइंट नोट किए जा रहे हैं। अभी देखते हैं जी पहला नंबर किसके किस्मत में आता है, दूसरे पे कौन लगता है और तीसरे पे कौन लगता है। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत और बहुत ही प्यारा बुल है। जजे साहिबान जो हैं उनके लिए भी फैसला करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि सारे ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। अब इनमें जो पॉइंट हैं चंद पॉइंटों की वजह से इनमें पहली दूसरी और तीसरी पोजीशन बनेंगी। ये आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ही जो टॉप के बुल्स हैं उन बुल्स ने इस मुकाबले में हिस्सा लिया था और उन बुल में से ये तीन बुल्स निकाले गए हैं। ये आपके सामने हैं जी डॉक्टर साजिद इकबाल साहब जो पहले डिप्टी डायरेक्टर एसपी हैदराबाद भी रह चुके हैं, अभी रजिस्टर फैसला हो गया, वो भी शामिल हैं जी जजिंग कमेटी में। हर बुल को देखा जा रहा
बड़ी बारीक भी नहीं से मंगवाने के बाद किसी बुल की हक तलफी ना हो पता चल जाता है जी कौन सा बुल किस पोजीशन पे। बाकी जो लोग हैं उनकी भी दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं, कोई किसी बुल को पहला नंबर दे रहा है, कोई किसी को दे रहा है और कोई किसी को दे रहा है। तो यहाँ पे जी मुख्तलिफ जो लोग हैं वो पॉइंट नोट करेंगे, इस लिहाज से फिर उनका फैसला किया जाए। अभी जी रिबन दिए जा रहे हैं, डॉक्टर साजिद इकबाल साहब पोजीशनें फाइनल कर ली गई हैं, अब देखते हैं पहली पोजीशन किसको मिलती है। जी डॉक्टर डॉक्टर साजिद इकबाल साहब जी माशाल्लाह जी पहले नंबर पे ये बुल आया। यासिर साहब हाजी मोहम्मद भी था सही बात है। हाजी मोहम्मद साहिवाल पहला नंबर जी मोहम्मद साहिवाल से जी पहला नंबर है तो ये कहते हैं जी हमने दूसरा नहीं लेना। ये जनाब तीसरे नंबर ये रशीद मसीह शेखपुरा से ये तीसरे नंबर पे है। शहजाद गुजर जो हैं वो दूसरे नंबर पे थे। ये पहले नंबर वाला उसके साथ सेल्फियाँ वगैरह ली जा रही हैं। जनाब चौधरी इरफान गुजर साहब डॉक्टर अवैस विक साहब सन्या जनाब ओनर साढ़े यूट्यूबर एसोसीएशन के पहले हाफिज अजहर जट साहब जी चौधरी और यार इन्हें पीछे करो भाईजान थोड़ा पीछे हो जाओ देखो सामने यार पीछे हो जाओ तुसी उधर खड़े सी सही डैडी सामने देखो जी मैंने तो जा लेना फिर बनाया ठहरो।